नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं श्रेया। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के हुए विस्तारीकरण का देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी विशेष निमंत्रण। कोहिमा में असम राइफल्स के लिए आयुर्वेद और मेंटल हेल्थ विषय पर वर्कशॉप, डीके रूपा रही मुख्य वक्ता। अजमेर में किसानों के लिए योगिक खेती का आधार आध्यात्मिकता विषय पर महासम्मेलन, किसानों से चरित्र निर्माण का आह्वान। और ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर का विस्तारीकरण करते हुए महाकाल लोक निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस मौके पर आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों को मिले विशेष आमंत्रण पर इंदौर जोन की मुख्य संयोजिका बीके हेमलता दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनिता दीदी, बीके उषा दीदी, उज्जैन की क्षेत्रीय प्रभारी बीके उषा दीदी उपस्थित रही और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी आत्मदास महाराज समेत कई महामंडलेश्वरों से मुलाकात की। इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बीके हेमलता दीदी जी का सम्मान किया। कोहिमा में असम राइफल्स के लिए आयुर्वेदा और मेंटल हेल्थ विषय पर आयोजित वर्कशॉप में कोहिमा की प्रभारी बीके रूपा दीदी को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके रूपा ने कहा कि जिस प्रकार आयुर्वेदा में पित्त कफ और वात का बैलेंस बहुत ही जरूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है और यह राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से सहज संभव है। अजमेर में किसानों के लिए योगिक खेती का आधार आध्यात्मिकता विषय पर महासम्मेलन का आयोजन हुआ। चौरसिया आवास रोड स्थित शिव वरदान भवन द्वारा यह कार्यक्रम ओम शांति नगर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, अजमेर की प्रभारी बीके शांता, माउंट आबू से बीके भानु समेत कई बीके सदस्यों ने किया। बीके राजू ने शाश्वत योगी खेती की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का उद्देश्य है किसानों की विचारधारा में परिवर्तन लाकर उनका चरित्र निर्माण करना, ताकि वो अपने जीवन स्तर को सुधार सके। ग्वालियर के माधोगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में ग्वालियर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें IMA के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल सप्रा, इलेक्ट अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत लहारिया, सेक्रेटरी डॉक्टर ब्रजेश सिंगल समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने इस दौरान कहा कि आज मनुष्य अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार हो गया है। ऐसे में व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले कुछ देर ईश्वर की स्मृति में बैठे और फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करे। इस कार्यक्रम के दौरान संस्था के मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल भी ऑनलाइन कनेक्ट हुए और पदाधिकारियों को बधाई देते हुए भारत को व्यसन मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद और IMA के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा के कादमा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोग्राम का आयोजन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पढ़ेगा खेलेगा तो खिलेगा इंडिया थीम पर यह कार्यक्रम रामबास ग्राम में आयोजित रहा, जिसमें माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर से बीके महेंद्र पाल, चरखी दादरी नगर परिषद के चेयरमैन बख्शी राम सैनी, भीम अवार्डी कुमारी ऋतु तिवाला मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। झुंझुगला के प्रभारी बीके वसुधा ने सभी अतिथि और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसे पहचानने की और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। कार्यक्रम में रामबास व आसपास के गांव से विश्वविद्यालय में उच्च स्थान पाने वालों को सम्मानित भी किया गया।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित राजयोग भवन में महिलाओं के लिए संस्कृति की संरक्षक मातृशक्ति विषय पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी गणमान्य महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता बब्बर, वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि देवांगन, बुधिया नर्सिंग होम की निदेशिका डॉक्टर रश्मि बुधिया, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका मेघानी, माही डेंटल क्लिनिक की निदेशिका डॉक्टर महिमा अग्रवाल, वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रिया मखीजा, संयुक्त महिला संगठन की अध्यक्षा विद्या केडिया, ICS ग्रुप की डायरेक्टर हेमलता स्वामी, आनंद एजुकेशन अकेडमी एवं आनंद पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर चंदा बंसल प्रमुख रही। सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि आज बच्चे पाश्चात्य सभ्यता से बहुत तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए अब महिलाओं को बच्चों को रोकना होगा क्योंकि बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है। राजकोट के विछिया गांव में ब्रह्मा कुमारी के नए सेवा केंद्र का उद्घाटन गुजरात जोन की प्रभारी बीके भारती दीदी ने वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका अंजू दीदी, अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा दीदी समेत कई बीके बहनों की उपस्थिति में शिव ध्वज फहराकर एवं रिबन काटकर किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। मुंबई के कल्याण स्थित दुर्गाड़ी किले में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विज्ञान और आध्यात्मिकता पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। स्टेट यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल, कल्याण जिला जेल अधीक्षक अंकुश सदाफुले, प्रांत अधिकारी अभिजीत भांडे पाटिल ने किया अवलोकन। बीके रेणुका, बीके भावना और बीके रानी ने विस्तार से समझाई सभी को चित्र प्रदर्शनी। ऐसे भिवंडी स्थित ओसवाल हॉल में भी स्पार्क विंग द्वारा लगाई गई स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन। स्टेट यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल समेत कई बिल्डर्स और बिजनेसमैन ने किया अवलोकन। बीके रानी, बीके अर्पणा और बीके श्वेता ने किया मैजिक ऑफ मेडिटेशन का प्रदर्शन। उत्तराखंड के कोटद्वार सेवा केंद्र पर वॉइस ऑफ कोटद्वार सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन। माउंट आबू के रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा आयोजित रही प्रतिस्पर्धा, कई स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। म्यूजिक टीचर रविंद्र जी, अनूप जी, विमलेश जी और माउंट आबू से बीके भानु भाई रहे जज। विजेताओं को वितरित किया सर्टिफिकेट और ट्रॉफी। बीके ज्योति ने बच्चों को राजयोग मेडिटेशन के फायदे बताते हुए प्रशिक्षण लेने के लिए किया आमंत्रित। यूपी के मोहम्मदाबाद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम में खुशनुमा जीवन विषय पर कार्यक्रम। वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने बुजुर्गों से नकारात्मक चिंतन के दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए इससे परहेज करने का दिया सुझाव। वृद्धाश्रम के पूर्व चेयरमैन लालजी बर्मन, प्रबंधक लच्छी राम प्रसाद, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लता चौहान, मऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, रोबर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोमा भी कार्यक्रम के दौरान रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश के रीवा में ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी को रीवा के महाराज बांधवेश पुष्परा सिंह जुदेव और युवराज दिव्यराज सिंह की उपस्थिति में किया गया सम्मानित। विजयदशमी पर भव्य आयोजन के लिए बीके निर्मला दीदी को मिला है सम्मान। मध्य प्रदेश के विदिशा में मुखर्जी नगर सेवा केंद्र द्वारा शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यशाला। स्वच्छ चिंतन उन्नति की सीढ़ी तो पर चिंतन पतन की खाई विषय पर बीके सदस्यों ने डाला प्रकाश। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने बच्चों को सवेरे उठते ही कुछ देर मेडिटेशन करने की दी सलाह। प्रिंसिपल इंदुमती खरे ने कार्यशाला को बताया बच्चों के लिए लाभदायक। पद्म भूषण अवार्डी डॉक्टर सुरेश अडवाणी से कल्याण वेस्ट के बीके सदस्यों ने की मुलाकात। संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। राजस्थान के भीनमाल में नए सेवा केंद्र सन एंड मेडिटेशन का उद्घाटन। SDM जवाहर राम चौधरी, माउंट आबू से वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लोकनाथन हुए शामिल। भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर गीता दीदी ने राजयोग द्वारा तनाव और अकेलेपन को दूर करने का दिया सुझाव। मेडी स्क्वेयर हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारी इंद्रपुरी सेवा केंद्र द्वारा सम्मान समारोह। बीके पूर्णिमा, बीके अनुराधा, बीके वीका और बीके राजमणि ने कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स का किया सम्मान। दिल्ली के डॉक्टर NC जोशी स्मारक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एवं नर्सेस के लिए ब्रह्मा कुमारी करोल बाग सेवा केंद्र द्वारा आयोजन।
सीनियर राजोगा टीचर बीके विजय बहन ने मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संकल्पों की चेकिंग करते रहने का दिया सुझाव। डॉक्टर मिगलानी ने वर्तमान समय मानसिक रोगों को पहचानने की आवश्यकता जताई। मध्य प्रदेश के रतलाम में सामाजिक संस्था जनशक्ति रतलाम द्वारा मराठा धर्मशाला में निशुल्क श्वास रोग प्रशिक्षण एवं दवाई वितरण शिविर का आयोजन। ममा कुमारी पत्रकार कॉलोनी सेवा केंद्र की बीके बहनों को विशेष निमंत्रण। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता दीदी मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। कार्यक्रम में महापौर प्रहलाद पटेल, जनशक्ति संस्था के अध्यक्ष राधा वल्लभ खंडेलवाल जी, समाज सेवी अनोखीलाल कटारिया समेत शहर के कई जाने माने लोग रहे उपस्थित। कार्यक्रम के अंत में बीके सविता दीदी को प्रदान किया गया मोमेंटो।